सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ना बाकी है। जीत किसके लिए, ये हार किसके लिए, जिंदगी भर ये टकरार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, यहाँ से फिर से इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, यहाँ से फिर ये इंसान को इतना अहंकार किसके लिए। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने आलोचनाओं को सुना और सहा है। आज का पंचांग 18 जून 2022 दिन शनिवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात्रि 12:19 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र सुबह 7:39 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:46 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:01 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर शाम 6:43 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मीन राशि 18 जून 2022 दिन शनिवार, आप इस समय खुद को कानूनी चिंताओं में उलझा हुआ पाएंगे जिसमें एक कार दुर्घटना शामिल हो सकती है। काम इस समय आपसे अधिक मांग कर रहा है। परिवार के साथ घर पर मन की शांति पाएं। उधार की चिंता आपको परेशान कर सकती है। आपके प्रयास सफलता प्राप्त करेंगे। पिछले दिनों से आप अधिक काम कर रहे हैं किंतु अब कुछ समय निकालें, अपने दोस्तों से मिलें और उनसे बातें करें। अपने भय पर काबू पाएं और खुद पर विश्वास रखें। प्रियजनों को यह जरूर बताएं कि आपके जीवन में उनका कितना महत्व है। कुछ करके दिखाएं क्योंकि जिंदगी आपकी सोच से भी तेजी से बीत रही है। कुछ दिन मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। रुकावट के बावजूद आप सभी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने में सक्षम रहेंगे। अपने आसपास के सकारात्मक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करने से अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ही हल्का महसूस करेंगे। आज परिस्थिति काफी हद तक जटिल नजर आएगी। सुलझने में वक्त लगेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय की वजह से अन्य समस्या उत्पन्न ना हो इस बात की सतर्कता रखें। जब तक बातें स्पष्ट बोली नहीं जाती तब तक लोगों को आपके विचार समझ नहीं आएंगे। प्रतिस्पर्धी की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। पुराने रिलेशनशिप को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सावधानियां, घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। अपने बजट को अपनी आवश्यकता के अनुसार सीमित व संतुलित रखें। बच्चों को ज्यादा ढील ना दें, अन्यथा उनकी किसी नकारात्मक गतिविधि से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। दुश्मनों और विवादों से घिरे रहने के कारण आप अकेलापन महसूस कर सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा की भी हानि होगी। लेकिन आपके और आपके पार्टनर के बीच के संबंध मजबूत होंगे। याद रखें, प्रेम का संबंध हमें आत्मविश्वास के साथ साथ दुष्टों का सम्मान करना भी सिखाता है। एक व्यस्त दिन के बाद आप थोड़ा खाली समय चाहेंगे ताकि आप अपने चाहने वालों के साथ फुर्सत के कुछ खास पल गुजार सकें। खुद पर भरोसा रखें और नए दोस्त बनाएं। समय के साथ लोग आपके जीवन में आएंगे और जाएंगे, लेकिन साथी हमेशा आपका साथ देगा। अपने जीवन साथी के मुश्किल समय में आप ही उनका सहारा बने। बात करते हैं करियर की। अपने नौकरी या प्रयास में सफलता पाने के लिए अपने तर्क और कर्तव्यों का सही तरह से प्रयोग करें। अपने दिनचर्या या व्यक्तित्व में परिवर्तन करके आप अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। विवाद प्रतियोगिता या दुश्मन से ना घबराएं क्योंकि यह सब आपको मजबूत और निडर बनाते हैं। पिछले कुछ समय से आप बहुत काम कर रहे थे और अब समय है थोड़ी ब्रेक लेने का। आज अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे।
निडर होकर अपनी बात कहें और समझें। लोगों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रही हैं, ताकि लोग आपको समझ सकें। जितना हो सके लोगों से जुड़े और बातचीत करें। बात करती हैं सेहत की। खांसी, जुकाम या एलर्जी जैसे दिक्कत रह सकती है। गर्मी से अपना बचाव करें तथा प्राकृतिक चीजों का अधिक से अधिक उपयोग करें। मांसपेशियों में खिंचाव भी हो सकता है। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।